नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग में, उसकी पॉसिबल प्लेइंग 11 और एक टीम डिस्कस करेंगे। तो कराची किंग्स ने अभी तक अपना एक भी मैच इस सीज़न में नहीं हारी हुई है। टीम चार मैचेज हुए थे, उसमें से तीनों उन्होंने जीत लिए और एक नो रिज़ल्ट रहा था बारिश की वजह से। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इन्होंने भी फोर मैचेस खेले प्लस दो ही बार जीते और दो बार हार गई है। लास्ट मैच आपने देखा होगा, लाहौर के सामने इन्होंने सुपर ओवर में जीता था। एंडर रसल जो हीरो रहे थे उस मैच के, प्लस समित पटेल ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। आपने लिया होगा समित पटेल को उस टाइम, तो आप आसानी से ग्रैंड लीग विन किए होंगे। तो अभी हम कराची किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते। लास्ट मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हुई थी दोस्तों, लेकिन प्लेइंग 11 आ गई थी। तो ये प्लेइंग 11 थी दोस्तों शाहिद अफरीदी। अफरीदी प्लेइंग 11 में नहीं थे क्योंकि उनका MRI स्कैन हुआ था नी के लिए और उनको नी में इन्फेक्शन है ऐसा पता चला है। तो उनका मोस्ट लाइकली है कि आज वो नहीं खेलेंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी की जगह पर मोहम्मद आमिर, जो इंजर हो गए थे लास्ट टू लास्ट मैच में, वो वापसी करेंगे। लास्ट मैच में उन्होंने प्लेइंग 11 में मोहम्मद आमिर का नाम था दोस्तों। तो मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी कराची किंग्स। तो खुर्रम मंसूर, जोयडेनली, बाबर आजम, कॉलिन इंग्राम, रवि बोपारा, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान जूनियर, टाइमल मिल्स और उस्मान खान। तो ये हो सकती है दोस्तों कराची किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो अभी हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते। तो उसमें ल्यूक रोंची और साहिबजादा फरहान ओपनिंग कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान के थोड़े चांस है कि वो ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ड्रॉप करेगी टीम। फिर JP डुमनी, मिसबाउल हक, समित पटेल, आसिफ अली, एंड्रे रसल, हुसैन तलात, फ़हीम अशरफ, सदाब खान और मोहम्मद सामी। तो ये हो सकती है दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इसमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है, जैसे कि ल्यूक रोंची का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। तो उनकी जगह पर किसी और फॉरेन प्लेयर को लाया जा सकता है क्योंकि ये PSL लीग है। आपने कल भी देखा होगा लायम डॉसन आ गए थे और बाहर हो गए थे, केविन पीटरसन भी बाहर हुए थे दोपहर के मैच में। तो ये कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों PSL लीग में, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लीग में कह सकता हूँ। तो आप सही सोच के अपने फॉरेन प्लेयर्स पिक करना अगर आप ले रहे हो अपने टीम में। तो अभी हम टीम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने माई टीम 11 ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गिवन है, प्लस रेफर कोड भी गिवन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 रुपीज़ फॉर योर, 100 रुपीज़ फॉर योर फ्रेंड। तो जैसे आप मेरा रेफर कोड डालोगे और अपना पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराओगे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, मुझे 50 रुपीज़ मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है दोस्तों। तो अभी हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। तो विकेट की पिक हमारे पास दो ऑप्शन है, ल्यूक रोंची और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान एक सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि लोकल प्लेयर है, पाकिस्तानी प्लेयर है। ल्यूक रोंची एक फॉरेनर है तो उनको बिठल दिया जा सकता है क्योंकि इनका फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप मोहम्मद रिजवान को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मोहम्मद रिजवान को ना लेने की एकमात्र वजह वो है, वो बहुत ही नीचे बैटिंग करते हैं दोस्तों। ये नंबर 5 या नंबर 6 पोजीशन पे आते हैं, इनकी बैटिंग लाइनअप फिक्स नहीं होती, कहाँ पर भी आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन ल्यूक रोंची ओपनिंग ही करते हैं, ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। अगर टिक गए क्रीज पे तो आसानी से 50 रन 40 रन कर देंगे, लेकिन जल्दी आउट होने के भी चांसेस ऐसे ही प्लेयर के होते हैं। तो मैं ल्यूक रोंची के साथ ही जा रहा हूँ दोस्तों। फिर बैटिंग में मैंने बाबर आजम, JP डुमनी, कॉलिन इंग्राम और जोई डेनली को रखा है। आप ऐसे मिसबाउल हक को रख सकते हो, जोई डेनली या लैंडन सिमंस, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जोई डेनली ही कंटिन्यू करेंगे। एलेक्स हेल्स और ईयर मॉर्गन दोनों ही नहीं खेलेंगे, सैम बिलिंग्स नहीं खेलेंगे दोस्तों। चैडविक कोल्टन को लास्ट मैच में ड्रॉप किया गया था तो इस मैच में भी ड्रॉप ही हो सकते हैं। खुर्रम मंसूर को आप अपनी टीम में रख सकते हो, साहिबजादा फरहान, हुसैन तलात, थोड़े ऑप्शन है दोस्तों बैटिंग में, 8 पॉइंट्स के आप में मिल जाएंगे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने एंड्रे रसल, इमाद वसीम और समित पटेल को लिया है। आप यहाँ से बोपारा और सदाब खान दोनों को ही रख सकते हो, बोपारा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो एज ए बैट्समैन आप उनको कंसिडर कर सकते हो। सदाब खान एक भी विकेट नहीं ले पा रहे लेकिन ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। शाहिद अफरीदी मुझे लगता है आज नहीं खेलेंगे। फिर बॉलिंग में मैंने मोहम्मद समी, उस्मान खान और टाइमल मिल्स को रखा है। आप ऐसे मोहम्मद इरफान जूनियर को रख सकते हो अपनी टीम में, प्लस मोहम्मद आमिर जो लास्ट टू लास्ट मैच नहीं खेले थे वो रिकवर हो गए, उनको भी रख सकते हो। रुमान रईस दोस्तों, रुमान रईस इंजर है, इनको प्लीज़ पिक मत करना। फ़हीम अशरफ को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो।
कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो मैं कैप्टन कॉलिन इंग्राम को रखूंगा दोस्तों, कि बहुत अच्छे बैट्समैन है। और माइटी मिलियन में अगर आप किसी बैट्समैन को ही कैप्टन रखते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, क्योंकि माइटी मिलियन का पॉइंट सिस्टम थोड़ा अलग है ड्रीम इलेवन से। अगर ड्रीम इलेवन में 50 रन कोई कर रहा है बैट्समैन, तो आपको उसके 60 या 70 कैप्टन को मिल जाएंगे पॉइंट। लेकिन यहाँ पे माइटी मिलियन में ऐसा नहीं होता दोस्तों, जब भी कोई एक प्लेयर सिक्स भी मारता है तो आपको उसके 7 या 8 पॉइंट्स मिल जाते हैं आसानी से। तो मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप माइटी मिलियन खेल रहे हैं तो आप कैप्टन को आप सॉरी बैट्समैन को ही एक कैप्टन ज़रूर रखना जो हार्ड हिटर है और जो आसानी से 30-40 रन तो आपको एवरेज दिला पाए। और वाइस कैप्टन आप किसी बॉलर या ऑलराउंडर को रखेंगे तो भी इट्स ओके, क्योंकि कैप्टन ही मैटर करता है दोस्तों मोस्ट। तो अभी हम वाइस कैप्टन देखेंगे, जेपी ड्यूमनी को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ओवर में लास्ट मैच में इन्होंने गेंदबाजी भी की थी, प्लस 1 डाउन या नंबर 4 पे बैटिंग भी करते हैं, तो एक अच्छे कैप्टन के लिए भी दावेदार बन सकते हैं दोस्तों जेपी ड्यूमनी। लेकिन मैं स्पेशली कराची किंग्स के प्लेयर को ही ज़्यादा फेवर करूँगा, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। इसलिए मैंने कैप्टन कॉलिन इंग्राम को रखा है और वाइस कैप्टन मैंने जेपी ड्यूमनी को रखा है। तो आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ, ल्यूक रोंची, कॉलिन इंग्राम, जेपी ड्यूमनी, बाबर आजम, जोई डेली, एंड्रे रसल, इमाद वसीम, समित पटेल, मोहम्मद शमी, उस्मान खान और टाइमल मिल्स। तो मुझे कहीं से भी न्यूज़ आ जाती है लास्ट मोमेंट तक कि शाहिद अफरीदी या कौन सा ही प्लेयर इंजर हो गया है या किसी को ऐड कर लिया गया है स्क्वाड में, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। तो आप मैच स्टार्ट से पहले एक बार कमेंट सेक्शन ज़रूर विजिट कर लेना। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे जो एम है 1000 सब्सक्राइबर्स की और बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है दोस्तों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ओके गाइस, बाय।